अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा कैंपिंग का दूसरा दिन है। हम लोग अभी मानूर वैली में हैं और इस वक्त हम नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, बिल्कुल हम रेडी हैं हाइकिंग के लिए। हमारा 4 घंटे का प्लान होगा, लेकिन हाइकिंग से पहले आप मेरी बैग पे देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी एडवेंचर एज के जो खालिद खलील साहब हैं, जो हमारे टूर गाइड भी हैं, वो हमको बता रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दे रहे हैं कि अगर हम विल्डरनेस में आते हैं और हमारे सामने कोई ऑब्स्टिकल ऐसा आ जाता है जिसको हमने क्रॉस करना है और उसका हाइट हमें मालूम करना है, तो उसकी हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। और मौसम इस वक्त थोड़ा सा गर्म हो रहा है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह टॉलरेबल मौसम है और उम्मीद है कि थोड़ी बारिश हो जाएगी तो मौसम और भी अच्छा हो जाएगा। अभी तकरीबन 15 मिनट की हमारी एक्टिविटी है और इसके बाद हम लोगों ने हाइकिंग के लिए निकलना है। आप लोगों के साथ एक और एडिशन हमारी टीम में होगा, भाई अब्दुल्ला मदनी, ये हमारे साथ अब एज अ को होस्ट हमारे इस पूरी की पूरी ट्रिप में हमारे साथ रहेंगे। अब्दुल्ला, कैसा फील कर रहे हैं आप? ये एक ज़बरदस्त तजर्बा है। कल हम जब इस शाम में यहाँ पहुँचे तो उस वक़्त हमें आइडिया नहीं था कि ये कैसी जगह है, क्योंकि अंधेरा छा चुका था। सुबह जब हम जागे तो हमने ऐसा महसूस किया कि हम वाक़ियतन जो सफ़र 2-2.5 घंटे का सफ़र करके जीप्स पे आए हैं, वो वाक़ियतन एक हैरान कुन सफ़र हमने किया और बहुत ही अच्छी जगह का इंतखाब किया हमारी जो टूर ऑपरेटर हैं। और इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद अपने साथ लेके चलते हैं। आप लोग आए जी इस जगह पे, वेरी इंटरेस्टिंग। साइनिंग आउट फॉर राइट नाउ, आप हमारे साथ रहिए, हमारी एक्टिविटीज़ को देखते रहिए, हम आपका इसका एक एयर व्यू भी दिखाएंगे। टिल देन स्टे विद अस। रात बारिश हो जाने की वजह से ठंडक में काफ़ी इजाफा हो गया था। हमारी आंखें नमाज फजर की अजान की आवाज़ से खुली। जगह कम होने की वजह से नमाज फजर 2 जमातों में अदा की गई। नमाज के बाद सूरज की किरणें फूटी तो हमें एहसास हुआ कि हम किस कदर खूबसूरत जगह पहुंच चुके हैं। हमारे चारों अतराफ बुलंदोबाला पहाड़ थे जिनकी चोटियों पर बर्फ जमी हुई थी। इससे छोटे पहाड़ पर बुलंदोबाला दरख्त थे जिन्हें बादलों और धुंध ने घेर रखा था। यहाँ का मंजर लम्हों बदल रहा था। हमारे कैमरामैन मोहम्मद नाजिम ने यहाँ के पुरकशिश मनाजिर की अक्स बंदी की। कुछ देर बाद हमारे टूर गाइड जनाब खालिद खलील साहब ने एक हाइकिंग एक्टिविटी करवाई, जिसमें हाइकिंग के दौरान किसी साथी के जख्मी होने की सूरत में स्ट्रेचर बनाने और साथियों को इब्तदाई तिब्बी अमदाद देने का मुजाहरा किया गया। आप अपनी स्क्रीन पर इसके मनाजिर देख रहे हैं। अब आएँ हम आपको अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे ले जाते हैं। हमारे कुलियतु शरिया के ग्रेजुएट से हम बात करते हैं, इस एक्टिविटी से इन्होंने क्या सीखा एंड आर दे एंजॉयिंग देयर स्टे ओवर हियर और नॉट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आयाश शाह, कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसी रही आज मॉर्निंग की एक्टिविटी? सुपर फंटास्टिक, सुपर फंटास्टिक। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया और वी थैंक, बेसिकली हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कुलियतु शरिया का और इसके ऑर्गेनाइजर्स का कि जिन्होंने इतनी हेल्दी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवाई और वी होप कि ये हर साल चलती रहे। इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और जो ये कैंपिंग है और आपस में रहना है, इज्तिमाईयत है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है और नागुज़ीर हालात में कैसे वक्त गुजारना है, तो वो एक रात में बहुत कुछ सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद है कि अगली 2 रातों में और भी सीखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, लर्निंग हमेशा लर्निंग होनी चाहिए। खाना बताएं कैसा है यहाँ? सुपर फंटास्टिक। खाना जो है वो बिल्कुल एक मयारी खाना था और मिर्च मसाले के एतबार से, टेस्ट के एतबार से हर बंदे के लिए एक्सेप्टेबल था। वेरी गुड, एक्सेलेंट जी, माशाल्लाह। यानी जैसा आप घर पे खाना खाते हैं वैसा आपको खाना मिलेगा, वो वाला घर वाला खाना नहीं जो आप नहीं खाना चाहते, वो वाला जो आप घर में खाना नहीं होगा, घर वाला खाना मिलेगा। अच्छा, हमारे ग्रुप में एक
ये दूसरी मरतबा थी मैं स्लिप हुआ, लेकिन होपफुली अब मैं बी केयरफुल, आप लोग भी यहाँ पे आएंगे तो बहुत केयरफुल रहिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग एक यंगस्टर है हमारे पास, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इनको एक्टिविटीज़ के साथ कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं जी? बिल्कुल। हाउ आर यू एंजॉइंग विद द कुलियत शरिया ग्रेजुएट्स? एक्चुअली आई एम एंजॉइंग द वे ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड वे ऑफ लिविंग unique thing, so it's you know very difficult and different. मतलब फजर में उठना और सुबह ठंडे पानी या पानी से वजू करना, और अभी ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जैसे होता है बिल्कुल क्लिप्स वगैरह भी आती हैं और फिसलन होती है, तो आई थिंक इट्स विल बी अ नाइस एक्सपीरियंस। और कुलियत शरिया के ग्रेजुएट्स के साथ आपकी कंपनी कैसी रही? अच्छी रही, because every people are very all people are united or responsible se log hain aur matlab team work se kaam karte hain. iske baad leadership boot camp ke ameer maulana naeem shahid ne khalid khaleel ki baaton ka khulasa kiya. kuch nahi pata hota ke khuda na khasta kahan pe kaun si surat hal pesh aa jaye, तो अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी चीजों को सीखते हुए अगर आप कोई कोताही करेंगे तो मुमकिन है कि कल को कोई ऐसी जरूरत के वक्त में आपको वो परेशानी हो। यहाँ हमारे टूर गाइड की जानिब से बरसातियाँ फ्राहम की गईं, फिर अतालीक के प्रोफेशनल ट्रेनर जनाब हमाद अब्बासी साहब ने लीडरशिप बूट कैंप की एक एक्टिविटी करवाई। अब मैंने कुछ लफ्ज कहने और आपने उस पर एक्ट करना है, वैसा ही सब साथ देंगे, सब बोले इंशाल्लाह, जबरदस्त। जिसमें इंसान के शौरी और गैर शौरी फैसले के बारे में कुछ अमली नुकात बताए गए। इसके बाद जनाब आसिम रजा शाह साहब की निगरानी में हमने हाइकिंग शुरू की। मौलाना उस्मान यूसुफ इस हाइकिंग में लॉगर थे, जो अपनी बुलंद आवाज से तमाम साथियों को यकजा और मोटिवेट करते रहे। हमारे साथी पथरीले और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए अपने हाइकिंग स्टिक के सहारे सफर जारी रखे हुए थे। यहाँ फिसलने का भी काफी खतरा था। रास्ते में एक चश्मे के करीब से गुजरे तो हाइकिंग का मजा दोबाला हो गया। खूबसूरती से मुजयन बल खाते हुए रास्ते, दराज का दरख्त और पहाड़ों की बुलंद चोटियों हमें महसूस कर रही थी। पहाड़ों के दामन से निकलता हुआ पहाड़ी नदी का तेज और शोर मचाता हुआ पानी हमारे रास्ते में आया, जिसके ऊपर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। इससे गुजरना हमारे साथियों के लिए काफी मुश्किल था। यहाँ हमें एक दूसरे के सहारे का फायदा हुआ। इस जगह के मनाजिर को देखकर हम रुके बगैर न रह सके। यहाँ कुछ साथियों ने पीने के लिए पानी भरा, कुछ ने अपने हाथ पांव गीले किए। हम एक जगह पर रुके और जनाब अब्दुल्ला मदनी ने हमारे साथियों से तासुरात लिए। इस वक्त हम आधा घंटा हाइकिंग करके यहाँ तक आ चुके हैं और हमारे यहाँ हमारा 10 मिनट का यहाँ थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं, तो हमारे कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके तासुरात लेते हैं। हमारे साथ से याद शाह मौजूद हैं। याद शाह साहब, कैसा फील कर रहे हैं आपने हाइकिंग की? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। एक चीज़ का बहुत प्रैक्टिकल हमें फ़ायदा हुआ यहाँ पर, टीम बिल्डिंग का, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, टीम का जो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ साथी माशाल्लाह सारे ऐसे हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने वाले हैं, उनको प्रेफरेंस देने वाले हैं। तो ये चीज़ अगर डेवलप हो गई हमारे तमाम सेगमेंट्स ऑफ लाइफ में, चाहे वो यूनिवर्सिटी का सेगमेंट हो, स्कूल का हो, मदारिस का हो, या प्रोफेशनल सेगमेंट हो, तो ये हम एक अचीव कर लेंगे बतौर कौम बहसियत। मानी इस वक्त हम हाइकिंग के साथ लर्निंग भी कर रहे हैं। जी, हाइकिंग प्लस लर्निंग। असल में हाइकिंग नाम ही लर्निंग का है। इसमें मशक्क़त बर्दाश्त करनी है, तकलीफ़ बर्दाश्त करनी है, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होना बर्दाश्त करना है, थकन बर्दाश्त करनी है। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस में चीज़ें आती हैं। मेरे ख्याल में साल में एक ट्रिप ऐसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं, हम आदवासी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या फील कर रहे हैं आप? आधे घंटे की हम हाइकिंग कर चुके हैं और हमारी तकरीबन एक घंटा से ज़्यादा बाकी है। जी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। जो दिलचस्प चीज़ है कि ग्रुप कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है और तमाम लोग ग्रुप जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, और एक ऐसा वाकई पता चल रहा है कि एक ग्रुप एक साथ आगे मूव कर रहा है, और इंजॉयमेंट भी है, लर्निंग भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ भाई असद महमूद मौजूद हैं, ये उनसे भी बात करते हैं। असद भाई, क्या फील कर रहे हैं? थका हुआ फील कर रहा हूँ इस वक्त बहुत ज़्यादा। धूप है
लेकिन हवा हल्की हल्की चल रही है और हमें थकावट के बावजूद भी दिल चाह रहा है कि हमारी ये हाइकिंग चलती रहे। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो रही है। अगर काजिम भाई, नाजिम भाई हमारे जो कैमरामैन हैं, अगर दिखा दें हमारे सारे कुलियत शरिया के फजला जो हैं माशाल्लाह बड़े, वो भी थक चुके हैं और इस वक्त जो है रेस्ट कर रहे हैं। और होपफुली अभी हमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 hour 30 minutes का मज़ीद हमारा ये ट्रैक होगा और आगे जाके हम एक बहुत बड़े प्लान एरिया में जाके वहाँ स्टे करेंगे पहाड़ी के टॉप के ऊपर। वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी हम व्यूज़ दिखाएंगे। और पर्सनली मैं फ़ील कर रहा हूँ आप अपनी डाइट न्यूट्रिशियस डाइट रखिए लेकिन हल्की रखिए, यहाँ पर फिर ट्रैकिंग के दौरान आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने हमारे साथियों के तासरात सुने, आइए आगे चलते हैं। यहाँ कुछ देर सस्ताने के बाद हम एक मकामी आबादी से गुजरे जहाँ नन्ने मुन्ने बच्चों ने हमारा इस्तकबाल किया। कराची से आए हमारे कुछ दोस्तों ने यहाँ की आबादी के कच्चे घरों को देखकर हैरानी का इजहार किया। यहाँ के लोग नहायत खूबसूरत वादी में रिहाइश पजीर थे। हमारा सफर जारी रहा, हम एक झील की जानिब रवा दवा थे। 1.5 घंटे हाइकिंग के बाद हम एक कदरे खुले मैदान में आ गए जहाँ कुछ देर रुक गए। हम तकरीबन 2 घंटे की ट्रैकिंग कर चुके हैं और इतना एंजॉय कर रहे थे हम लोग। उस्मान भाई हमारे साथ साथ हैं, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया और फैसला ये हुआ कि हम लोग इंशाल्लाह मज़ीद 1 घंटे की ट्रैकिंग करेंगे और उसके बाद हम अपने बेस कैंप की तरफ जाएंगे। मेरे साथ हमारे कैमरामैन हैं नाजिम, ये भी इस वक्त हमारे साथ चल रहे हैं। यहाँ हमारी मीडिया टीम बशमूल मेरे अपने साथियों से कुछ पीछे रह गए, जिसके बाद हमारा सफर काफी मुश्किल। इससे हमें अंदाजा हुआ कि टीम के साथ चलते हुए थकावट कम होती। अब हम अपनी मुकर्रर करदा मंजिल पर पहुंच चुके थे। ये एक खूबसूरत झील थी, गोया मिनी सैफुल मुल्क हो। इसके करीब पहाड़ की बुलंदी से एक ठंडे यख पानी का चश्मा बह रहा था। यहाँ आधा घंटा सस्ताने और वुजू करने के लिए रुके। अब हमारी वापसी शुरू हो चुकी थी। सब साथी एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे कि वापसी पर तो ज्यादा उतराई होगी जो आसान होती है, एक जगह रुक कर मैदान में नमाज़े ज़ुहर अदा की। ट्रैकिंग से अभी हम लोग वापस अपने बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं और मेरे बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं कि कुलियतुल शरिया के ग्रेजुएट्स अभी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह में शामिल हैं। एसईआर के प्रोजेक्ट जो हमारे लीडर हैं, एसईआर के प्रोजेक्ट लीडर हमाद अब्बासी साहब, वो यहाँ पे एक एक्टिविटी कंडक्ट करवाएंगे। हम आपको वो एक्टिविटी भी दिखाएंगे, जूँ जूँ साथ साथ वो एक्टिविटी होती चली जाएगी और आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि उस एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और विद इन दिस ब्रीफ टाइम क्या हम वो लोगों के अंदर डेवलप कर सकते हैं या नहीं करते। हम आपकी मादबासी साहब से सिलसिले में बात भी करवाएंगे, तो आइए हम आपको एक्टिविटी में ले चलते हैं। यहाँ हम्माद अब्बासी साहब ने एक एक्टिविटी करवाई। जिसके बाद इन्हीं खूबसूरत और पथरीले रास्तों से होते हुए अपने कैंप की जानिब रवाना हुए। कैंप पहुंचे तो काफी ज्यादा थकावट हो चुकी थी। यहाँ हमारे दोस्त अब्दुल्ला मदनी ने साथियों से बातचीत की। हम आलमोस्ट 4 घंटे की हाइकिंग के बाद वापस कैंप पहुंच चुके हैं और हमारे साथ अभी भाई उस्मान मौजूद हैं। भाई उस्मान साहब से बात करते हैं, कैसा फ़ील किया भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा फील किया। हम सुबह कोई 10 बजे के करीब यहाँ से निकले और अभी 2:45 हो रहे हैं, यानी तकरीबन 4.5 घंटे की हाइकिंग थी। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ सीखा, इज्तमाइयत से चलना, सबको जोड़ के चलना, सब्र करना, इताअत करना अमीर की, और पूरी जमात को साथ में लेके चलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है और साथ ही साथ बहुत ही कुछ सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम खुश हैं, हमारे जितने भी दीनी जो मदारिस के लोग हैं और जितने भी दीनी तशख़्स वाले, उनको भी हम ये कहेंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर लर्निंग्स भी हों, अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे भी हों। अभी हम लोग पहुँचे हैं माशाल्लाह, बजरा देख रहे हैं, पीछे लोग अभी खाना खा रहे हैं माशाल्लाह से, अभी आराम करेंगे और उसके बाद शाम से फिर एक्टिविटीज़ का आगाज़ होगा इंशाल्लाह।
दोपहर का खाना तैयार था। खाने के बाद हमने आराम के लिए खेमों का रुख किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, वेलकम बैक। हम अभी बेस कैंप में मौजूद हैं। हमने लंच किया, रेस्ट किया और अब हमारी शाम की पहली एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग जब भी कैंपिंग के आएंगे तो आपको अपने साथ रोप्स रखनी है और वो किसी भी वक्त में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, आपकी ज़रूरत पड़ सकती हैं। अभी जो हमारे टूर गाइड हैं एडवेंचर एज के, जो टूर गाइड हैं खालिद खलील साहब, वो हमें बता रहे हैं कि जो आपकी नॉट टाइंग और लैशिंग होती है वो किस तरह से किया जाता है और कौन कौन सी नॉट्स जो हैं वो आपको कैंपिंग के दौरान, हाइकिंग के दौरान, ट्रैकिंग के दौरान ज़रूरत हो सकती हैं। तो आए हमारे साथ, हम देखते हैं कि नॉट टाइंग में क्या कुछ हो रहा है। अब नमाज असर का वक्त हो चुका था। नमाज के बाद जनाब खालिद खलील ने एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया। तमाम शुरका को चार ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया, हर ग्रुप को एक नाम दिया गया। इसके बाद जनाब हमाद अब्बासी साहब ने टीम वर्क के हवाले से एक एक्टिविटी करवाई। अब मगरिब का वक्त नज़दीक हो गया था, बादलों ने हमें आ घेरा था। तमाम दिन हमारी मीडिया टीम आपके लिए इन एक्टिविटीज़ को कवर करती रही, लेकिन हमारे इक्विपमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया और बैटरीज ड्रेन हो चुकी थी, इसलिए इसके बाद की एक्टिविटीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। मगरिब की नमाज के बाद हमाद अब्बासी साहब ने हमें हमारी ज़िंदगी की दिलचस्पियों और फोकसेस के बारे में बताया। उसके बाद खाना खाया, इशा की नमाज पढ़ी और सब लोग अपने अपने खेमों में आराम करने के लिए चले गए। तीसरे दिन क्या हुआ उसके लिए अगले हिस्से का इंतज़ार कीजिए।